Whoa. Ladies and gentlemen, sound of soy as the unwilling for the very first time exclusively Maan Saab, Jitinder Shah Ji, Kohli Saab pictures, because iske baad we will be playing the song and officially launching the track, ladies and gentlemen. Main hi jhooti. Thank you so much, sir. Thank you, sir. जी वाह क्या बात है। तो जो हमारे एक पीआर शिप में टीम की कास्ट मेंबर थी मैडम चावला जी, उनके लिए उनकी माताश्री संपूर्ण हो गए, तो उस परमेश्वर के आगे दुआ करते हुए थोड़ी देर के लिए हम जस्ट एक आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके उनके लिए दुआ करना। कृपा करें, क्योंकि बुजुर्ग कोई भी चला जाता है तो सर पे साया उठ जाता है, और माँ का जाना तो बहुत बड़ी बात। माँ तो जमीन है बाबा जी, और जमीन से बड़ा कोई, धरती से बड़ा कोई कुछ नहीं है, और जगत जननी है जिससे पैदा हुए हैं वो जगत जननी, और हमें जनने वाली माँ एक ही है। सेम क्वालिटीज होती हैं, दुख सहना, बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर देना। मैं मैडम चावला जी के पूरा नाम पारुल जी, मैं आपके साथ मेरा दुख और आपका दुख हमारे साथ सबके साथ शामिल है, और उस परमेश्वर के आगे यही दुआ है कि परमात्मा उस रूह को हमेशा जहाँ भी रखे सुख शांति से रखे, और आपको हमेशा याद रहें, और आपकी जितने भी दुख दरिद्र रहता है, लेकिन बाबा जी की अपना काम बहुत प्यार से करा, नहीं ये तो नहीं, बहुत प्यार से, बहुत हौसला अफजाई से, बहुत उत्साह देकर काम कराते हैं, तो दिखते नहीं आते, और परांठे भी खिलाते हैं साथ में। फिर बोले कि परांठे जी, हाँ जी, परांठे खाने से खाना पीना तो दोनों खाना पीना चलता रहता है। आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी, रोटी एक एल्बम का नाम था। उस वक्त जब हम रोटी कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाहजी ही बना रहे थे, बैठे हुए थे, तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया, तो ये अपने लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, प्लीज रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा लगा, प्लीज शाहजी ये रोटी है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरे देखा, पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही टाइटल ही रख दिया रोटी, आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉयल, वो मिट्टी, वो रोटी थी, साउंड ऑफ रोटी, मतलब इससे बड़ी, मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जमीन, मतलब क्या बात हो, क्योंकि मिट्टी से ही पैदा होती है रोटी, अनाज पैदा होता है, अनाज से रोटी बनती है, वो हमारे पेट में जाती है, सभी के पेट में जाती है, जानवरों के, पक्षियों के, पंछियों के, सबके, वो रोटी रोजगार सबकी बनाई रखी। और सर जी एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं, कि जब रोटी हमने की थी तो हमारे रूबी जी थे, मतलब टीम इनकी पूरी थी, रूबी जी, सोनू सब है, बट दैट टाइम रूबी जी वाज विद अस। आज रूबी जी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली पंजाब में है, नहीं आ सके, और अभी सोनू जी है, बट इन दोनों भाइयों में इतनी सिमिलैरिटी है कि कोई भी चीज़ बोल दो ना, एक तो उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता है, या इनको नो प्रॉब्लम मैडम, हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए हमने डिमांड किया, दे नेवर रिफ्यूज। रूबी जी का भी वही रवैया था, और सोनू जी का भी आज वही रवैया है, और मेरी उषाज की लड़ाई तो होती रहती है। गुनगुना दो कुछ। मैं क्या गुनगुना, मजा है,
मर जाने माना बेड़ा नद इत आवना नद गागो बाचिया असा नहीं थे आमना लभेगा गबाचिया असा नहीं थे आमना फिर की करेगा पिछों कापियां फरोड़ के फिर की करेगा पिछों कापियां फरोड़ के मैं ही झूठी पैजू वे माया उच्चा दीवा बोल के दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के यो थैंक यू मान साहब आप दोनों को पूरी टीम को गाने की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं सबसे बड़ी खुशखबरी ये है सर आपकी वापसी है बहुत दिनों बाद हमने देखा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाकी दिया गल्ला छोड़ो दिल साफ होना चाहिए तो सर क्या कहना चाहोगे इस एल्बम को लेकर जो अभी आज लॉन्च हो रहा है गाने को लेकर किस तरह का मूड है और कैसी केमिस्ट्री जितेंद्र जी के साथ आपकी मेरा ख्याल है मूड बड़ा खूबसूरत है सबसे थोड़ा आगे कर लेते आप थोड़ी आगे कर आप अपनी कुर्सी ये ठीक है सुनाई दे रहा सर थैंक यू सो मच हाँ जी आपने पूछा कि क्या मूड है आज मेरा ख्याल है इससे बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड मौसम सुहाना है सामने इतना खूबसूरत अफसाना है क्योंकि ये अपने आप पे लिखा गया है आज तो हमारे लिए ये एक नया ज़माना है जो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है अभी हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं ये हमारी टीम पूरी जो पूरी पीछे बोल रही है एक टीम का वर्क है वो तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए मगर अब हम पहुँचेंगे क्योंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हाँ जस्ट एक बात मैं कहना चाहती हूँ सर आपने बोला कि आपकी वापसी हुई है सर वापसी क्या एल्बम की वापसी जरूर हुई है उसके बाद सिंगल का जमाना था तो वी हैड नियरली 6 सिंगल निकाले हैं कोविड 2 साल चला गया उसके बाद हमने 5 या 6 सिंगल निकाले हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम आप तक पहुंच नहीं पाए वही बता रहा था बट वापसी नहीं है वी आर हियर और सर एल्बम की वापसी एल्बम अभी की है वो वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है वो वापसी उनके साथ उनको भी मतलब बिल्कुल वही है उनकी इल्तजा है उनको बहुत पुराने प्यार का मुलाकात आपका गाना जब था सोशल मीडिया नहीं था कुछ भी नहीं था आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं बनता था बराते डोली कुछ नहीं था आज भी मेरे क्या कहना चाहोगे इसके बारे मेरे आहो भाग्य ये नवाज़िश है उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को ज़िंदा रखा है मेरे अंदर के किरदार को जो एक शायर भी है जो एक एक्टर भी है और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है प्यार दिया है बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका तो बहुत बहुत शुक्र नितिन पाजी कैसे समझ में आया कि मान साहब को लेना चाहिए कि मान साहब अनलिमिटेड काम करते हैं नहीं इन्होंने मुझे लिया है इन्होंने मुझे लिया हमारी हैसियत नहीं मेरी नहीं मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे में से कितने भी आर्टिस्ट मैं सबको सुना है उपराल की कृपा से बाबा जी के आशीर्वाद से मोर देन 75% इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं
लेकिन ना बाबा जी जैसा कोई था ना है ना होगा। और ये जब यकीन मानिए 9 गाने स्टूडियो में 5 दिन में इन्होंने लिखे, जो गाने 9 पहले लिखे वो इन्होंने, मैंने कहा ये मैंने मैम ने बोला ये ओके है, और 5 दिनों में 9 गाने नए बना के स्टूडियो में लिखे। और मैं इतने फास्ट आर्टिस्ट और इतनी फास्ट चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। जी अच्छा है बदलाव कितना बुरा है बदलाव? ओह हो, ये सवाल बड़ा प्यारा है कि कितना अच्छा है बदलाव कितना बुरा है बदलाव, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे संगीत में जो चल रहा है, थोड़े गाने बीच में इस तरह से शुरू हो रहे हैं कि उसमें गन कल्चर चली गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें के लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है और बच्चे उससे खुश होते हैं, मारपीट से खुश होते हैं। मैं कहना ये चीज़ें, ये बदलाव थोड़ा सा गलत है, मगर बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए आर्टिस्टों ने, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी दिए जो आज की नई जनरेशन जो गाने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ, क्योंकि वो सब के आइडियल बन चुके हैं, खास करके नौजवान नस्ल के, तो उनको अच्छा भी देना चाहिए, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल भी गाने देने चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग भी उनको देने चाहिए, ये ज़रूरी है। ये बदलाव है एक जो है उससे निकल करके, ये बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ये सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। माइक पे जब बोलते हैं तो पहले हम चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि माइक में ढोलक की आवाज़ भी जानी है, हारमोनियम की आवाज़ भी जानी है, तो उसमें उस वक्त एक एक चीज़ अलग नहीं होती थी। तो अब हमारे पास वो चीज़ें हैं कि अब आराम से गा सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, मगर फिर भी मैं उतने ज़ोर से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। तेंदा पाजी, पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर डफली हाथ में लेके, आजकल पोस्टर बहुत रियर ही मिलते हैं, वही चीज़ें याद आ रही है पुरानी। जी जी, डफली जो हाथ में है, जी जी, जो पहले गाने आते थे मान साहब के, वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते हैं, और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले मोर देन 4-5 डेकेड्स, ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिशियन। इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं वो पिछले 45 साल से म्यूजिशियन पुराने, और कुछ भी चेंज नहीं, तो डफ कैसे चेंज हो सकती? डफली तो बाबा जी का मेरा पहला साल, ये स्टैंप लगी हुई है उस मालिक की मोहर है। हाँ जी, सर वो जो भक्ति के गाने गाते हैं, बट इनका जो म्यूजिक है इससे मोर सोलफुल, वो जो इंसान है, अब जैसे कि एक महबूबा है वो सोच सकती है कि मेरे लिए है, पर मान साहब का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। जितेंद्र जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका मान साहब के साथ इतने सालों से आप कोलैबोरेशन करते हो, बट इस सॉन्ग के लिए ऐसे स्पेसिफिक क्या डिफरेंट था, क्या न्यूनेस थी?